नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राजस्थान एग्जाम मंत्रा के अंदर। और आज हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो टॉपिक है उनके बारे में और अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर संगणक का पेपर है और जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर है उन दोनों के अंदर तो ये टॉपिक है ही, लेकिन इसके अलावा जो महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या उद्योग प्रसार अधिकारी की भी तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो चाहे, उन सभी एग्जामों के अंदर जो है वो ये ऐसा टॉपिक है जो आता है। जो राजस्थान का जीके की तैयारी करते हैं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के अंदर नहीं, ज्योग्राफी के अंदर, तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो पशुधन की एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है। पशुधन जो है अपना एक महत्वपूर्ण रोल जो है इसके अंदर अदा करता है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पशुधन संपदा का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका जो है वो इंग्लिश के अंदर लाइफ स्टॉक कहलाता है और हिंदी के अंदर बात करें तो इसे कहते हैं पशुधन संपदा। तो देखिए, राजस्थान जो है वो एक रेगिस्तानी प्रदेश है और इस रेगिस्तानी लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग, 61.11 भाग जो है वो रेगिस्तान है और इसके अलावा जो है वो पथरीली भूमि है जिन पे जो है वो आदिवासी निवास करते हैं। तो इन दोनों ही स्थानों पर जो है वो कृषि और पशुपालन जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चूंकि राजस्थान एक चूंकि राजस्थान जो है एक सूखा प्रदेश है, इसके अंदर जो है वो वर्षा पर ही सारी कृषि जो है वो डिपेंड करती है, वर्षा आधारित ही कृषि होती है। सिंचाई के बहुत ही सीमित साधन होने के कारण जो है वो यहाँ पर कृषि के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो अपना जो जीविकोपार्जन करते हैं उसमें पशुधन संपदा जो है वो पशुपालन जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। राजस्थान का लगभग दो तिहाई जो लोग हैं, राजस्थान के दो तिहाई लोग हैं यानी लगभग लगभग 75% लोग जो है पशुपालन पर ही निर्भर है और कृषि पर ही निर्भर है। तो चलिए देखते हैं कि लाइव स्टॉक पशु संपदा के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो देखिए, इसके अंदर जो पहली बात है यह है कि राजस्थान की जो 3/4 लगभग 75% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है, गाँव के अंदर निवास करती है और गाँव का जो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन होता है वो या तो कृषि होती है या फिर कृषि के साथ साथ ही एक पशुपालन भी होता है। तो देखिए, 75% जनसंख्या ग्रामीण है जिनके जीवन का जो मुख्य आधार है, जो उनका जो रोजगार है वो क्या है, कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर है। अब देखिए, ठीक है, वर्षा के टाइम तो ये कृषि से काम चल जाता है, पशुपालन उनका जो है वो एक सेकेंडरी जो होता है रोजगार का साधन, लेकिन जब अकाल होता है, सूखा होता है, क्योंकि राजस्थान एक अकाल का ही प्रदेश मान लीजिए, यहाँ पर अकाल का जो प्रभाव है वो लगभग बना ही रहता है, बहुत कम बारिश होती है। जैसलमेर जैसे क्षेत्रों के अंदर तो बारिश देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो अकाल के समय यहाँ के लोगों को जीवन निर्वाह करने का जो साधन रह जाता है, जो उनका भोजन की व्यवस्था का जो साधन रह जाता है वो केवल और केवल जो है वो पशुपालन ही रहता है। तो अकाल के समय जो है ये निर्भरता है जो पशुपालन पर वो और ज्यादा जो है बढ़ जाती है, क्योंकि अकाल के टाइम जो है वो कृषि हो नहीं पाती है। तो अकाल के टाइम जो है वो जीविका के लिए राजस्थान के लोग जो है वो पशुपालन पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो 3/4 भाग ग्रामीण है, ये हमने देख लिया, और कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर है। आगे देखते हैं कि पशुपालन और पशु उत्पादन प्रसंस्करण में 9 से 10% राजस्व प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि पशु पालन या पशु उत्पादन से राजस्थान को कितना राजस्व प्राप्त होता है। तो देखिए, जो राजस्व प्राप्त होता है वो 9 से 10% राजस्व जो है वो प्राप्त होता है पशुपालन से, और पशु वो से जो प्राप्त होता है जैसे दूध है या फिर ऊन है या मांस है, इन सबसे यानी पशुपालन से और पशु के विभिन्न विभिन्न उत्पादन से लगभग 9 से 10% राजस्व जो है राजस्थान सरकार के पास जाता है। आगे देखते हैं कि पशुधन संपदा का जीडीपी में क्या रोल है। जीडीपी के अंदर पशुधन संपदा का
क्या योगदान है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जीडीपी में पशुधन संपदा का कितना योगदान है, तो ये जो योगदान है वो है 10.21% योगदान है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पशुधन संपदा का राजस्थान की सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है, तो 10.21% जो योगदान है वो किसका है, पशुधन संपदा का है या उसके विभिन्न उत्पादों का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लघु और सीमांत किसान जो है वो 35% आय जो है इनकी डेयरी और पशुपालन पर ही निर्भर रहती है। जो सीमांत किसान है, जो मूल किसान है राजस्थान के, जो लघु है और बस छोटा सा उनके पास जो जमीन का टुकड़ा है उस पर ही अपनी कृषि करते हैं, वो छोटे किसान है, उनकी जो 35% आय है वो किससे होती है, बाकी आय उनकी हो गई कृषि से और उसमें से 35% आय जो पशुपालन से और पशुओं का दूध बेच के डेयरी पर उसके ऊपर ही निर्भर है 35%। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लघु और सीमांत किसानों की कितनी प्रतिशत आय जो है वो पशुपालन पर निर्भर है, तो 35% आय जो है वो पशुपालन पर और डेयरी उत्पादों पर ही निर्भर है। शुष्क क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय का योगदान जो है 50%। देखिए राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां वर्षा नाममात्र की होती है, आप सब जानते हैं, मैंने पहले ही बता दी है आपको और आप खुद भी इस बात से परिचित है क्योंकि हम सब राजस्थान के अंदर रहते हैं और हम सबको पता भी है कि राजस्थान की क्या स्थिति है। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर जो किसान निवास करते हैं उनकी 50% पशुपालन व्यवसाय का ही योगदान है, यानी 50% योगदान जो है व्यवसाय में, 50% व्यवसाय क्या है वहां के लोगों का, पशुपालन ही है। तो शुष्क क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय का जो योगदान है वो कितना है, 50% योगदान है। पशुपालन क्षेत्र की विकास दर कृषि की तुलना में अधिक रहती है। अब देखिए जो विकास दर आती है वो पशुपालन की अगर तुलना करें कृषि की विकास दर से या कृषि की विकास दर से तुलना करते हैं पशुपालन की विकास की दर, तो जो पशुपालन की विकास दर है वो जो है वो कृषि से जो है वो ज्यादा रहती है। क्वेश्चन ये पूछ आ सकता है कि पशुपालन की विकास दर कृषि से रहती है कम, ज्यादा, बराबर या कोई नहीं, तो ज्यादा रहती है पशुपालन की विकास दर जो है वो कृषि से ज्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन क्षेत्र में 90% से अधिक श्रम महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए राजस्थान के अंदर जो है वो किसान की बात करते हैं तो जब भी हमारे दिमाग में किसान का आता है तो एक एक व्यक्ति का, एक मेल का जो है वो हमारे सामने चेहरा आता है। आप कहीं पर भी किसी भी किसान की अगर आपको कहीं पर भी कोई भी अगर रचना दिखाई देगी तो उसके अंदर एक किसान दिखाई देगा, वो भी कौन देगा, मेल दिखाई देगा, फीमेल उसके अंदर नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप सब जो है वो लगभग मेरे जैसे ही मिडिल परिवार से, और हम सब देखते हैं कि हमारे हमारे खुद के अगर अपना एग्जांपल लेके देखें तो हमारे घर के अंदर, हमारे खेत के अंदर, हमारे पड़ोसियों के खेतों के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मेल है उसे कंधा से कंधा मिलाकर मैं तो कहूंगा उनसे एकदम ज्यादा महिलाओं का कृषि के अंदर और पशुपालन के अंदर योगदान रहता है। उन खेती का सारा काम में अपना योगदान देने वाली महिलाएं हैं और पशुपालन में तो पूरा 100% योगदान ही महिलाओं का है। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान के पशुपालन के क्षेत्र में 90% से अधिक जो कार्य करती है, जो योगदान देती है, जो मेहनत करती है वो महिलाएं करती है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि पशुपालन क्षेत्र में महिलाओं के श्रम का कितना प्रतिशत है, 90% है। इस तरह महिलाओं का इसके अंदर योगदान होने से क्या होता है, महिला सशक्तिकरण का ये आधार बन जाती है, सारा पशुओं से संबंधित काम जो है वो महिला ही करती है घर के अंदर। अगला देखते हैं राज्य के अंदर 70% परिवारों की आय का साधन क्या है, पशुपालन है। राज्य के अंदर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर जो 70% लोग हैं, 70% जो यहाँ के निवासी हैं, जो 70% किसान है, उनकी जो आय का साधन है वो क्या है, कृषि है, यानी कृषि नहीं सॉरी, जो 70% आय का साधन है वो पशुपालन और उनसे संबंधित विभिन्न उत्पाद से ही है। तो 70% परिवारों की आय का साधन है पशुपालन। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान का पशुधन देश के लगभग 12% दूध उत्पादन करता है और 31% जो ऊन उत्पादन करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन में कितना योगदान देता है, तो 12% देता है।
क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राजस्थान का पशुधन देश के कुल दूध उत्पादन में कितना योगदान देता है? 12% देता है। बात करते हैं ऊन उत्पादन की, तो उसके अंदर देता है 31% जो है वो ऊन उत्पादन के अंदर अपना जो है योगदान देता है। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके जो है महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो 12% तो दूध के अंदर उत्पादन योगदान रहता है राजस्थान का देश के अंदर, और 31% जो है वो ऊन के अंदर इनका योगदान रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पशु गणना 5 वर्ष में होती है, और उस पशु गणना को जो है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है पशु गणना की जाती है, तो 5 वर्षों हर 5 वर्ष या 5वें वर्ष में जो है वो पशु गणना की जाती है, और इस पशु गणना का आयोजन कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना जो है वो कब की गई? सबसे पहली बार या प्रथम बार, फर्स्ट टाइम जो है वो नस्ल के आधार पर पशु गणना कब की गई? तो 15 अक्टूबर 2007 की जो पशु गणना थी, 18वीं पशु गणना जो थी वो नस्ल के आधार पर थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जनगणना ऐसी थी जो नस्ल के आधार पर थी? तो 18वीं पशु गणना नस्ल के आधार पर थी, और ये कब की गई थी? 15 अक्टूबर 2007 से ये शुरू की गई थी। इसी के अंदर अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई? भारत के अंदर प्रथम पशु गणना कब की गई? तो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य के अंदर जो है प्रथम पशु गणना की गई थी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई? तो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य जो प्रथम पशु गणना की गई। अब इस पशु गणना के टाइम राजस्थान के अंदर क्या स्थिति थी? राजस्थान तो जो था वह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, उस टाइम ये क्या थी? एक रियासत थी, और रियासत के अंदर जो है वो निम्न रियासतों के अंदर ये विभक्त था राजस्थान। तो इसके इस टाइम जो तब जब ये 1919 और 1920 में पशु गणना पूरे देश के अंदर हो रही थी, तो राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़, इसके अंदर जो है वो पहली पशु गणना की गई थी। लेकिन तब तक राजस्थान जो है एक स्वतंत्र राज्य नहीं बना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि देश के अंदर प्रथम पशु गणना कब की गई? दिसंबर 1919 से 1920 तक। अब राजस्थान के अंदर कब की गई प्रथम पशु गणना? तो राजस्थान के अंदर अगर प्रथम पशु गणना की अगर हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो सबसे पहले जो है वो की गई थी, ये जो थी वो भारत की में प्रथम पशु गणना 1919 और 1920 तक की। तब भारत आजाद नहीं था, हम जो है अंग्रेजों के अधीन ही थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो प्रथम स्वतंत्र राजस्थान के अंदर प्रथम पशु गणना की गई थी 1951 के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पशु गणना राजस्थान में कब की गई? तो 1951 के अंदर की गई थी। उस टाइम जो है पशुधन जो था राजस्थान के अंदर वो था 255.16 लाख पशुधन राजस्थान के अंदर था, 255.16 लाख पशुधन राजस्थान के अंदर था। अब देखिए 1997 से 2003 के मध्य जो राजस्थान के अंदर एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा, एक अकाल पड़ा। इस अकाल के अंदर जो है वो सभी लोगों इसके अंदर काफी परेशान है, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो वो था पशुधन। पशुओं के लिए अकाल के समय खाने पीने की बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई, खाने के लिए और पीने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला। तो इस टाइम में देखिए जो आवारा पशु थे और जो घरेलू पशु थे वो भी काफी परेशान हुए। तो इस टाइम हुआ क्या कि 1997 से 2003 के मध्य बहुत भयंकर भीषण अकाल पड़ा। इस भीषण अकाल के समय क्या हुआ कि जो 1997 के अंदर 5.47 करोड़ पशु हो गए थे, देखिए सबसे पहले थे 255.16 लाख पशुधन 1997 के अंदर, यानी इस अकाल से पहले की बात कर रहे हैं। 1997 से अकाल शुरू हुआ, तो 1997 से पहले 1997 के अंदर जो पशुधन थे वो 5.47 करोड़ थे, जो कि अकाल के बाद यानी 2003 में अकाल समाप्त हुआ, तो अकाल के बाद ये बचे 4.91 करोड़ ही बचे। 1997 में थे 5.47 करोड़, जो कि 2003 अकाल समाप्ति के समय 4.91 करोड़ ही रह गए। तो इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा पशुओं की जो है मौत हुई, बहुत ज्यादा पशु जो है वो इस काल की ग्रास के अंदर समाहित हो गए, और जो इनकी कमी आई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
1997 से 2003 के मध्य जो अकाल पड़ा उसके अंदर पशुधन का कितना प्रतिशत कमी आई, तो 10.1% जो है पशुधन के अंदर कमी आई। और जो सबसे ज्यादा कमी थी सर्वाधिक कमी की पूछे कि इस अकाल के समय 1997 से 2003 के मध्य सर्वाधिक किस पशुधन की कमी हुई, तो वो थी भेड़ों की सर्वाधिक कमी आई, 31.06% भेड़े जो थी वो मारी गई और उनकी संख्या जो हो कम हो गई। तो ये कुछ थे राजस्थान के पशुधन संपद से संबंधित कुछ आंकड़े। आई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और जो है वो लाइफ स्टॉक के अंदर पशुधन के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से बिंदु और रह जाते हैं। देखिए हमने देख लिया है अब तक, उससे आगे देखते हैं। देखिए राजस्थान का जो पशु घनत्व है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का पशु घनत्व 2011 के बारे में चर्चा करते हैं, तो 2011 के अंदर जो राजस्थान का पशु घनत्व था वो 826 प्रति हजार के पीछे था, यानी 1000 परिवारों के पीछे, 1000 व्यक्तियों के पीछे जो पशु की संख्या है वो 826 है। यह है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान के अंदर जो ये पशु घनत्व है वो 842 प्रति हजार है। तो पशु घनत्व अगर 2011 के अनुसार पूछा जाता है तो 826 प्रति हजार, और वर्तमान के अंदर पूछा जाता है तो 842 प्रति हजार है। आगे बात करते हैं कि 19वीं पशु गणना जो थी वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के मध्य संपन्न हुई। 18वीं के बारे में हमने चर्चा कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। 19वीं जो शुरू होती है वो 15 सितंबर से शुरू होती है और 15 अक्टूबर 2012 के मध्य जो है वो संपन्न होती है। इस पशु गणना के अगर हम बात करते हैं कि इस पशु गणना के अंदर अगर कुल पशुधन कितने हुए राजस्थान के अंदर, तो कुल पशुधन हुए 577.32 लाख। आपसे पूछा जाता है अगर क्वेश्चन की 2012 की जनगणना कब हुई, 2012 में पशु धन की जो गणना थी या पशु गणना थी जो हुई उसके अंदर कुल पशुधन कितने हैं, तो कुल पशुधन की संख्या है 577.32 लाख रही है। आगे बात करते हैं कि देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, यानी टोटल अगर भारत की बात करते हैं, भारत के सभी राज्यों से अगर राजस्थान की तुलना करते हैं कि राजस्थान के अंदर देश के कुल पशुधन का राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है, तो यह है 11.27% है। कुल देश के यानी कुल भारत के पशुधन का राजस्थान के अंदर जो है वो 11.27% है। आगे देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन घनत्व, देखिए पशु घनत्व जो है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्रति हजार के ऊपर और एक होता है प्रति किलोमीटर के अंदर। तो ये दो प्रकार से आपका जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में प्रति हजार पशुधन कितने हैं या पशु घनत्व कितना है, तो 842 रहेगा। अगर घनत्व पूछा जाता है प्रति हजार तो 842 रहेगा वर्तमान का, और अगर पूछा जाता है प्रति किलोमीटर का तो 12 के अनुसार प्रति किलोमीटर था 169 प्रति किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर के अंदर जो है वो एक वर्ग किलोमीटर के अंदर जो पशुधन की गणना की गई तो 169 की गई, और 2007 के अंदर था ये 166, 2012 के अंदर हो गया 169, 2007 में अगर पूछा जाता है तो 166 था। अब देखिए सर्वाधिक पशुधन 2012 में कहां पर था, सर्वाधिक पशुधन था दौसा और राजसमंद के अंदर। सर्वाधिक पशुधन 2012 के अनुसार कहां पर था, दौसा और राजसमंद के अंदर सर्वाधिक पशुधन था, और वो कितना था 292, और न्यूनतम की बात करें किलोमीटर की बात करें 292 था एक किलोमीटर के अंदर, और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं एक किलोमीटर के अंदर तो 83 पशुधन मिलता है जो कि जैसलमेर के अंदर इसका पशु घनत्व था, न्यूनतम जैसलमेर और सर्वाधिक दौसा राजसमंद। 20वीं पशु गणना, अब देखिए 20वीं पशु गणना हमने 18वीं देख ली, 19वीं देख ली, और 20वीं पशु गणना जो है वो शुरू होती है जुलाई 2017 से 20वीं पशु गणना जो है वो शुरू हो गई। इस पशु गणना 2000 अभी इसके आंकड़े आए नहीं है 2017 पशु गणना के, पशु गणना 2012 के अनुसार हम देखते हैं कि किस पशु की कितनी संख्या है और कितना प्रतिशत है, तो देखिए चर्चा करते हैं। ये जो है वो 2012 की जो पशु गणना थी उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो 2012 के अनुसार जो गोवंश था यानी जो गायों की गायों का जो भाग था राजस्थान का वो था
23.08% और इनकी संख्या की बात करते हैं तो ये थी 133.02 लाख। राजस्थान के अंदर जो गाय थी, जो गोवंश था, वो था 23.08% और संख्या बात करें कुल राजस्थान के जो पशु धन है, कुल राजस्थान के जो पशु संपदा है उसके अंदर गायों का, गोवंश का जो योगदान था वो था 23.08% और संख्या की बात करते हैं तो 133.24 लाख था। आगे बात करते हैं भैंस वंश की, भैंस कितनी थी तो भैंसों की बात करते हैं तो इसके अंदर 22.48% भैंसे हैं, 22.48% भैंसे हैं। जो संख्या की बात करते हैं तो 139.76 लाख हो जाती है। गोवंश प्रतिशत में 22.48 और संख्या में बात करते हैं तो 139.67 लाख है। भेड़ वंश की बात करते हैं तो भेड़ वंश जो था वो 15.73% है। 2011 के अनुसार भेड़ वंश जो है वो 15.73% है और संख्या की बात करते हैं तो 90.80 लाख है। ऊंट की बात करते हैं, ऊंट का जो प्रतिशत है वो 0.56% है और संख्या जो है वो 3.26% ही है, जो कि काफी कम संख्या होती जा रही है। इसीलिए जो है वो इसकी संख्या जो निरंतर गिरती जा रही है ऊंट की, इसलिए इसे जो है वो राज्य पशु भी घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं बकरी की, तो बकरी जो है वो राजस्थान के अंदर 37.53% बकरियां हैं, 37.53% बकरियां हैं जिसके अंदर संख्या की बात करते हैं तो 216.66 लाख प्रतिशत, 216.66 लाख है। घोड़ा बात करते हैं, घोड़े भी, घोड़ा, खच्चर और गधा, इन तीनों का अगर प्रतिशत बात करें, घोड़ा, खच्चर और गधा, तो तीनों जो है 0.21% है। घोड़ा, खच्चर और गधा जो है तीनों मिलाकर 0.21% है। बात करते हैं इनकी अगर संख्या की तो घोड़ा जो है वो 0.38 लाख है और खच्चर जो है वो 0.03 लाख है, गधा जो है वो 0.81 लाख है। सूअर की बात करते हैं, सूअर जो है वो इसका प्रतिशत 0.41% है और संख्या की बात करते हैं तो 2.38 लाख है। चलिए आगे कुछ और आंकड़े देखते हैं। 2015 के और 16 के अंदर जो पशु उत्पाद था, पशुओं से जो उत्पाद हुआ, पशु उत्पाद के अंदर दूध, मांस, ऊन, अंडा, इनके उत्पाद की बात करते हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो देखिए और भारत के साथ इसकी तुलना करेंगे और देश में इसका कौन सा स्थान है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो 2015-16 पशुधन उत्पादन की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए दूध उत्पादन की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो दूध उत्पादन हुआ है वो 18.5 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ है। राजस्थान के अंदर वर्ष 15-16 के अंदर जो दूध उत्पादन हुआ है पशुओं से वो हुआ है 15.5 मिलियन टन। भारत में हुआ है 155.5 मिलियन टन। राजस्थान के अंदर बात करें तो 18.5 मिलियन टन, भारत के अंदर बात करते हैं तो 155.5 मिलियन टन। और भाग करते हैं इसका कि राजस्थान का जो उत्पादन है वो भारत का कितना प्रतिशत है, यानी राजस्थान में जो दूध का उत्पादन हुआ उसको अगर भारत के कुल उत्पादन से देखा जाए तो कितना प्रतिशत हो, तो राजस्थान का जो उत्पादन है 18.5 मिलियन टन, 155.5 मिलियन टन का 11.9% है। पूछा जा सकता है कि दूध उत्पादन राजस्थान में कितना हुआ, तो 18.5 मिलियन टन हुआ। राजस्थान का दूध उत्पादन भारत का कितना प्रतिशत है, तो 11.9% है। अब पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो देखिए देश में इसका जो है वो सेकंड स्थान है और प्रथम स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध उत्पादन राजस्थान में कितना हुआ, 18.5 मिलियन टन, भारत का कितना प्रतिशत हुआ, तो 11.9 प्रतिशत, और देश में अगर स्थान की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। ये आंकड़े है 2015-16 के अनुसार। अब देखिए दूध उत्पादन के अंदर जो भारत जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत दूध उत्पादन के लिहाज से विश्व में किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान के ऊपर है और प्रथम स्थान पर होने के साथ साथ ही ये विश्व का
कुल विश्व का जो 100% उत्पादन होता है उसमें से 19% उत्पादन जो है वो भारत के अंदर होता है। तो विश्व का 19% दूध जो है वो भारत में उत्पादन होता है, और भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर है चीन। दूध उत्पादन में भारत 19% के साथ प्रथम स्थान पे, सेकंड स्थान पे है अमेरिका, और थर्ड स्थान पर जो है वो चीन है। इसके अलावा जो है 2015 के अंदर बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति विश्व के अंदर, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, प्रति व्यक्ति विश्व के अंदर जो दूध की उपलब्धता है वो कितनी है। तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 299 ग्राम प्रति व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति को 299 ग्राम जो है वो दूध प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, चीन तीसरे स्थान पर है। भारत जो है वो विश्व का 19% जो है वो दूध का उत्पादन करता है। दूध उत्पादन तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं ऊन उत्पादन की। तो ऊन उत्पादन के अंदर भारत जो है वो राजस्थान का जो हिस्सा है, ऊन उत्पादन के अंदर राजस्थान जो है 13.41 मिलियन किलोग्राम जो है ऊन का उत्पादन इन्होंने किया 15-16 के अंदर। कितना किया 15-16 के अंदर ऊन का उत्पादन? ऊन का उत्पादन किया 13.41 मिलियन किलोग्राम, और भारत ने किया 43.6 मिलियन किलोग्राम। राजस्थान ने किया 13.41 मिलियन किलोग्राम, भारत ने किया 43.6 मिलियन किलोग्राम। और राजस्थान का अगर हिस्से की बात करते हैं कि ऊन उत्पादन में कितना हिस्सा रहा, तो 30.8% जो है वो हिस्सा राजस्थान का रहा। और राजस्थान जो है वो देश में ऊन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान की कितना अंश है, तो 30.8% अंश है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है देश के अंदर, तो 30.8% है। ऊन उत्पादन में राजस्थान किस पायदान पर है देश के अंदर, तो प्रथम पायदान पर है। ऊन उत्पादन राजस्थान ने कितना किया 15-16 के अंदर, तो 13.4 मिलियन किलोग्राम किया। भारत ने कितना किया 43.6 मिलियन किलोग्राम किया। तो नेक्स्ट देखते हैं अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन जो है वो राजस्थान में हुआ 1385.3 मिलियन, ये संख्या है 1385.3 मिलियन जो है अंडे राजस्थान के अंदर उत्पादित किए गए। भारत की बात करते हैं तो 82,929 मिलियन जो है वो अंडे उत्पादित किए गए राजस्थान के अंदर। देखिए संख्या के अंदर है, काउंट के अंदर है, 1385.3 मिलियन अंडे राजस्थान के अंदर। और भारत के अंदर बात करते हैं तो 82,929 मिलियन अंडे जो है वो भारत के अंदर पैदा किए गए। और इनका भाग करते हैं कि राजस्थान जो है भारत का कुल कितना अंडा उत्पादित करता है 15-16 के अनुसार, तो 1.7% जो है इसका स्थान है, और तमिलनाडु इसके अंदर प्रथम स्थान पर है। अगर पूछा जाता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक अंडे कहां उत्पादित किए जाते हैं, या ऐसा पूछा जा सकता है कि अंडा उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो तमिलनाडु और राजस्थान की बात करते हैं तो ये 15वें पायदान पर आके ठहरता है। चलिए आगे बात करते हैं मांस उत्पादन के अंदर। बात करते हैं तो मांस उत्पादन के अंदर राजस्थान ने मांस उत्पादन किया 179,93 हजार टन का, यानी 179,93 हजार टन राजस्थान ने मांस उत्पादन किया। भारत ने किया 7,020 हजार टन उत्पादन किया भारत में। और अगर इसके हिस्से की बात करते हैं तो 2.56% जो है वो राजस्थान ने भारत का मांस उत्पादन किया। और बात करते हैं स्थान की, तो भारत के अंदर सबसे सर्वाधिक मांस उत्पादन किया जाता है यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कुछ और डाटा हो गए दोस्तों राजस्थान की पशुधन संपदा और या लाइफ स्टॉक कह सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ और ऐसे ही आंकड़ों के बारे में चर्चा करते हैं जो तो हमने देखा है उसी के अंदर राजस्थान के जो पशु वंश है या गोवंश है या पशुधन है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो कौन कौन सी नस्लें हैं और वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है और उनकी क्या जो है मुख्य विशेषता है। इसमें से ही आपका क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल जो है कहाँ पाई जाती है, जैसे थारपारकर कहाँ पाई जाती है, गिर पाई जाती है, नागौरी जो है वो पाई जाती है, या राठी पाई जाती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अब तक हम
हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जो लाइव स्टॉक है या पशुधन है उसके बारे में, और हमने जो आंकड़े थे उसके बारे में चर्चा कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं पशुधन के बारे में या गोवंश के बारे में। गोवंश जो है पशुधन के अंदर जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि राजस्थान के अंदर जो गोवंश है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गोवंश की बात करते हैं तो वो उदयपुर और बीकानेर के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा गोवंश या गाय या गोवंश जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो उदयपुर और बीकानेर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। न्यूनतम की बात करते हैं तो धौलपुर के अंदर न्यूनतम पाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है वो सर्वाधिक गोवंश कहाँ पाया जाता है। भारत के अंदर जो सर्वाधिक गोवंश है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, और इसी श्रेणी के अंदर जो अगर राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान जो है श्रेणी में कौन से स्थान पर आता है, तो गोवंश के लिहाज से राजस्थान जो है वो पांचवें स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं, हम नस्लों की डिटेल देखते हैं कि कौन सी नस्ल किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है और कौन से उनके अंदर जो है वो विशेष गुण है। तो देखिए चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो हमारी नस्ल है वो है गिर। गिर जो है वो क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, देख लीजिए। आपने अभी बहुत सारे एग्जाम दिए, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो मेरे भाई नए अभी एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने पहला दूसरा एग्जाम दे रहे हैं वो देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गिर निम्न में से गिर किसकी नस्ल है, गाय की, भैंस की, ऊंट की या बकरी की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आपको ये सारे नस्ल को आपको पता होना चाहिए कि गाय की कौन सी, यानी गोवंश की कौन सी नस्ल है, और भैंस वंश की कौन सी नस्ल है, ऊंट वंश की कौन सी नस्ल है, बकरी वंश की कौन सी नस्ल है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांकरेज नस्ल है गाय की, भैंस की, बकरी की या ऊंट की, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गिर जो है वो निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते। ऑप्शन दे देंगे अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़ और बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर जो है वो नागौरी पाई जाती है, इसलिए जो है वो बीकानेर आपका सही उत्तर होगा। तो आपको पूरी डिटेल जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम गिर की बात करते हैं। गिर जो है वो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर जो है वो पाई जाती है। गिर नस्ल जो है वो अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं गिर के अंदर क्या विशेषता है, तो गिर का जो मूल स्थान है, यानी गिर जो है वो राजस्थान से किस स्थान से, गिर गोवंश जो है राजस्थान में किस स्थान से आया, तो ये आया गुजरात की गिर वन से। गुजरात के अंदर गिर नाम का वन है उससे, और काठियावाड़ा नामक स्थान से जो है वो इस राजस्थान से आया, ये इसका जो है मूल स्थान है। वैसे बात करते हैं मूल स्थान की, तो गुजरात का गिर वन और काठियावाड़ा जो है गिर गोवंश नस्ल का जो है मूल स्थान है। इसके कुछ अन्य नाम भी है, गिर वंश को जो है वो रेंडा के नाम से जाना जाता है, अजमेरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेंडा किस गोवंश नस्ल का जो है वो दूसरा नाम है, तो रेंडा जो है वो गिर का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम अजमेरी भी है। ये जो है वो अधिक दूध देने के लिए जो है प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा दूध देती है, इसलिए ये जो है वो पाली जाती है। चलिए बात करते हैं थारपारकर के बारे में। थारपारकर जो है वो भी क्या है, गोवंश नस्ल है, ये पाई जाती है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और सांचौर के अंदर। सांचौर जो है वो जालौर जिले के अंदर है। सांचौर जो है वो कहाँ है, जालौर के अंदर है। तो जो थारपारकर है वो पाई जाती है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर के अंदर पाई जाती है। अब देखिए इसका मूल स्थान जो है वो सिंध क्षेत्र है। सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान के अंदर चला गया है, और मालानी गांव है जैसलमेर के अंदर, वो इसका मूल स्थान है, और ये भी जो है वो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो दो गोवंश हो गए जो अधिक दूध देने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से अधिक दूध के लिए प्रसिद्ध गोवंश कौन सा है, गिर और थारपारकर, गिर और नागौरी, गिर और कांकरेज, गिर और मालानी, या फिर गिर और सांचौर। तो गिर और थारपारकर आ गया। वैसे अगर पर्टिकुलर देखें तो जो राजस्थान की काम धेनु कहलाती है वो कौन से कहलाती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। राठी जो वंश है वो राजस्थान की काम धेनु कहलाती है। राठी गाय जो राजस्थान की काम धेनु कहलाती है, जो कि सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तीन नंबर की बात करते हैं नागौरी गोवंश के बारे में बात करते हैं। नागौरी जो है वो ये एक जो है वो तकिया कलाम भी बन गया है, या एक खावत जैसा बन गया है। नागौरी जो है वो अब जैसे गाय बैल मजबूत होते हैं, इस प्रकार जो है वो नागौर के जो लोग हैं उनको भी शक्तिशाली और जो है वो काम करने में ज्यादा हार्ड वर्कर माना जाने लगा है। तो नागौरी जो है वो नागौरी गोवंश जो है वो नागौरी है। नागौरी है तो नागौर में तो पाया जाएगा, नागौर के पास ही जोधपुर है और नागौर के पास जो है वो बीकानेर है। तो नागौरी जो है वो आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आसपास का कौन सा क्षेत्र होगा, नागौर खुद हो गया, जोधपुर हो गया और बीकानेर हो गया। मूल स्थान जो जैसे नागौरी नाम है, तो नागौर का जो सुहालक
क्षेत्र है, स्वालक नामक गांव है वो इसका जो है वो मूल स्थान है। दौड़ने में तेज है ये बैल। दौड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन से बैल है? नागौरी बैल है। मजबूती के लिए कौन से बैल प्रसिद्ध है? तो नागौरी बैल प्रसिद्ध है। भार वाहक यानी भार उठाने वाले, अधिक बोझा ढोने वाले कौन से जो गोवंश प्रसिद्ध है? तो भी नागौरी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिहाज से बहुत काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आ सकता है। दौड़ने में तेज कौन सी गोवंश नस्ल है? तो नागौरी होगी। मजबूत और भार उठाने में सशक्त जो कौन सी गोवंश नस्ल है? तो भी नागौरी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। राठी, राठी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राठी जो है वो बीकानेर, गंगानगर, चूरू और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। राठी गोवंश जो है बीकानेर, गंगानगर, चूरू और जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। ये जो है वो लाल सिंधी और साहिवाल जो दो गोवंश की नस्ल है, लाल सिंधी और साहिवाल, ये दो गोवंश की नस्ल है, इनको मिलाकर जो है वो कौन सा जो है वो नस्ल बनाई गई है? राठी नस्ल बनाई गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राठी नस्ल किसका मिश्रण है, या राठी नस्ल जो है वो किस गोवंश का जो है वो किस गोवंश नस्ल का मिश्रण है? तो लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण क्या है? राठी है। ये भी जो है वो अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। आगे बात करते हैं कांकरेज। कांकरेज जो है वो बाड़मेर, जालौर, नेहड़ और जोधपुर के अंदर पाया जाता है। कांकरेज जो है वो ये नेहड़ और जालौर जो है वो सांचौर जो है जालौर जिले के अंदर आते हैं। सांचौर और नेहड़ जो है जालौर जिले के अंदर आते हैं। बाड़मेर, जोधपुर और सांचौर जिले के जालौर जिले के सांचौर और नेहड़ के अंदर कांकरेज पाया जाता है। याद कर लीजिए, कांकरेज यानी कांकरा, कांकरा घट पाया जाए, कांकरा बाड़मेर के अंदर पाया जाए और जोधपुर के अंदर भी पथरीली भूमि है और जालौर के अंदर तो पाए जाने पाए जाने। तो कांकरेज जो है बाड़मेर, सांचौर, नेहड़ और जोधपुर के अंदर पाई जाती है। इसका मूल स्थान की बात करें तो गुजरात का जो कच्छ का रण है वो इसका मूल स्थान है। बाहर वाहक है, बाहर वाह जो बोझा ढोने में इसके जो गोवंश है वो प्रसिद्ध है, अधिक दूध देती है और कठोर भूमि होती है उसको जोतने में। जो कांकरेज नस्ल की जो बैल है वो कठोर भूमि को जोतने के लिए प्रसिद्ध है, भार उठाने के लिए प्रसिद्ध है और जो गाय है वो अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं हरियाणवी गोवंश जो है वो हरियाणवी में चूरू नाम से इनको जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, जयपुर, हनुमानगढ़ के अंदर पाया जाता है। मूल स्थान रोहतक, हिसार, गुड़गांव, हरियाणा है। दूध देने में और भार वाहक में जो है ये भार ढोने में जो है वो प्रसिद्ध है हरियाणवी गाय। आगे बात करते हैं मालवी। मालवी जो है वो गोवंश जो है वो झालावाड़ के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर पाया जाता है। मालवी जो गोवंश है वो झालावाड़ के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर पाया जाता है। मूल स्थान इसका एमपी के अंदर जो मालवा स्थान है या मालवा गांव है वो इसके लिए मूल स्थान है और ये भी जो है वो भार वाहक के लिए प्रसिद्ध है। तो भार वाहक के लिए मालवी भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो है हमारा सांचौरी नस्ल है। सांचौरी जो है वो सांचौर के अंदर पाई जाती है, उदयपुर के अंदर पाई जाती है। सांचौर तो आपको पता है जालौर के अंदर है। तो सांचौरी जो है वो सांचौर, उदयपुर, पाली और सिरोही के अंदर पाई जाती है। बाकी इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेवाती जो है वो अलवर और भरतपुर के, मेवात क्षेत्र वो था इसलिए अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां पर मेवाती गोवंश पाया जाता है जो कि हल चलाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गई भारतीय गोवंश की नस्लें। भारत के अंदर ही इनको विकसित किया गया। भारत के जो पशु वैज्ञानिक है उन्होंने इन गोवंशों को जो है वो कुछ को विशेष से बनाया है और ये जो भारतीय गोवंश है अब जो है वो कुछ विदेशों से भी गोवंशों को या विदेशों से भी कुछ जो है वो भारत के अंदर इंपोर्ट की गई है। कुछ गायों की नस्लें, कुछ गोवंश का नस्ल भारत में विदेशों से आया है। तो राजस्थान के अंदर इसमें कौन कौन सा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। एक नंबर है जर्सी गाय। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में सुना भी होगा, अपने घर में भी सुना होगा कि भाई फलाने गाय जर्सी गाय है जिसकी बहुत दूध दे। जर्सी गाय जो है ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तो ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी होगी? जर्सी गाय होगी। तो देखा कि जर्सी जिकी है नहीं, जर्सी जर्सी कठुआई, जर्सी जर्सी आई अमेरिका में आई। तो जर्सी कठुआई अमेरिका में आई और अमेरिका में आई तो अपाव कड़े तो मध्य और पूर्वी राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। जर्सी जो है वो अमेरिका से आई और पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इसका जो दूध होता है वो काफी मात्रा में दूध होता है और दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो केवल 4% होता है। और इसकी एक दूसरी खासियत भी है इस जर्सी नस्ल की कि जर्सी नस्ल की गाय जो है वो छोटी उम्र में ही
दूध देना शुरू कर दे। छोटी उम्र से ही ये दूध देना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण जो है वो किसानों को जल्दी से ही लाभ मिलना प्राप्त हो जाता है। तो जर्सी गाय जो है मध्य और पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। मूल स्थान की बात करते हैं तो अमेरिका इसका मूल स्थान है। और किस लिए प्रसिद्ध है, एक तो इसके जो दूध है वो छोटी उम्र में देना प्रारंभ कर देती है, एक बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देती है, और दूध के अंदर जो फैट की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है, वो होती है 4% होती है। चलिए आगे देखते हैं। होलिस्टीन जो एक और नस्ल है, होलिस्टीन होलिस्टीन जो है वो भी मध्य और पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, और ये भी जो है वो अमेरिका और हॉलैंड से भारत के अंदर आई है, राजस्थान के अंदर आई है। ये भी जो है वो क्या देती है, ज्यादा दूध देती है, और दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो 3.5% होती है। और इस गाय की निशानी है कि जैसे इसके जो शरीर का रंग होता है वो काले और लाल चकत्तों वाला होता है, काले और लाल जो है उसके ऊपर जो है वो धब्बे बने हुए होते हैं। तो ये हो गई जर्सी होलिस्टीन, ये दो भारतीय विदेशी नस्ल है। इसके अलावा रेड डेन जो एक और नस्ल है जो कि विदेश से भारत के अंदर लाई गई है, ये जो है वो डेनमार्क के अंदर पाई जाती है, और ये भी जो है वो दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से विदेशी नस्ल कौन सी है, आपके पास ऑप्शन दे देंगे गिर, थारपारकर, कांकरेज और रेड डेन। तो आपको रेड डेन चूज करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, सांचौर और जर्सी। तो जर्सी आपको पता होना चाहिए, तीन है जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन, ये जो है वो विदेशी नस्ल है, बाकी सारी जो है वो भारतीय नस्ल है। तो ये हो गया आज का अपना वीडियो। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं और आपके लाइक से ही हमें पता चल रहा है कि आप जो है हमारा वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं। और जो मेरे दोस्त अभी जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी हमारे वीडियो नहीं देखे, तो उनसे निवेदन रहेगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो नया डालते हैं उसका आपको जो है आपके मोबाइल के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन जब आप बेल का आइकन दबाएंगे तो आपके मोबाइल के नीचे एक ऑप्शन आएगा कि आपको रेंडमली जो है वो नोटिफिकेशन चाहिए या सभी का आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको वहां पर जो है वो ऑल को चूज करना है, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।